Welcome dear students, I am Mr. Abhijit. Welcome to my channel Chemistry Learners. In this session, we are going to see reaction of alkynes, that is halogenation reaction. तो इसमें हम तीन types की reaction देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे formation of tetrahaloalkane, then formation of geminal dihalide and at the last formation of vicinal dihalide. तो ये तीनों रिएक्शन हम डिटेल्स में देखेंगे. सो फर्स्ट रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेलो अल्केन. टेट्राहेलो मींस देर आर फोर हेलोजन एटम्स विच आर जॉइंड अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चार हेलोजन एटम्स है जो इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस एड हुए हैं, इसलिए हमें लगेंगे चार मॉलिक्यूल्स हेलोजन की. सो For this reaction, we are using carbon tetrachloride and twice X2. इसका मतलब alkyne से हम tetrahalo alkanes prepare करने वाले. Okay? So what is the statement of this reaction? Alkynes when reacts with twice X2 in presence of CCl4 gives tetrahalo alkane. तो ये twice X2 का मतलब होता है. If you want to join, suppose twice Cl2. और twice Br2 के एक्सेट्रा, यू कैन एड दिस क्लोरीन एटम्स, ब्रोमीन एटम्स और डिफरेंट हेलोजन एटम्स अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाय दिस रिएक्शन. तो यहाँ पे हमने यूज किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हम ट्रिपल बॉन्ड दैट इज अल्काइन we are converting in geminal dihalide and other one that is in vicinal dihalide. तो इस reaction को हम details में देखेंगे और इसका explanation देखेंगे कि कैसे हम vicinal dihalide और geminal dihalide prepare कर सकते हैं. So we'll see this first for geminal dihalides. Geminal dihalide हम prepare करने वाले हैं किसी alkyne group से. Okay, so this is the alkyne I have taken here. तो हमें जेमिनल डायहैलाइड प्रिपेयर करना है, मतलब अक्रॉस दिस एडिशन ऑफ HX टेक्स प्लेस. तो हमें क्या करना है, एडिशन रिएक्शन करनी है. तो पहले मैं फर्स्ट स्टेप में HX का एडिशन करूंगा. HX का एडिशन मतलब अक्रॉस दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एडिशन ऑफ दिस HX टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोप्स रूल. तो मार्कोनिकोप्स रूल हमें क्या बताता है कि निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट attaches to the carbon which contains more substitution, या फिर hydrogen atom उस carbon के पास जाएगा जिस carbon के पास पहले से ही ज्यादा hydrogen atom है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 1 और 2 number अगर मैं देता हूँ यहाँ, तो hydrogen atom 2 number के carbon को attach हो जाएगा. तो ये हो गया आपकी पहली Markovnikov's addition. तो ये RCH triple bond का conversion double bond में हो जाएगा और मार्कोनिकोप्स के हिसाब से कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होगा और इस कार्बन को हैलोजन एटम अटैच हो जाएगा. तो ये पहली रिएक्शन हो गई आपकी मार्कोनिकोप्स एडिशन. तो दूसरी स्टेप देखेंगे, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर से हम मार्कोनिकोप्स एडिशन करेंगे. अगर हम फिर से मार्कोनिकोप्स एडिशन करते हैं तो स्टेटमेंट वही रहेगा सेम, दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम उसके पास फिर से हाइड्रोजन एटम जाएगा. तो ये सिंपल रूल है मार्कोनिकोप्स एडिशन, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं उसके पास और हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे. तो अब ये नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट, फिर से एडिशन रिएक्शन होगी, मतलब डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड और पहले से जो एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है मैं पहले वैसे लिख रहा हूं कि अब ये एडिशन हो गया फिर से HX का. तो ये फिर से HX कहाँ पे एडिशन होगा, हाइड्रोजन इज ऑन दी कार्बन विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम, ओके, एंड दिस हैलोजन एटम हियर. तो ये जो पोजिशन मिल गई हमें, ओके, सो दिस इज जेमिनल पोजिशन. तो ये बन गया जेमिनल डायहैलाइड, दो हैलोजन एटम्स है इसलिए डायहैलाइड और पोजिशन है सेम कार्बन एटम पे इसलिए ये हो गया जेमिनल डायहैलाइड. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड. तो फिर से मैं क्या करूंगा, एक अल्काइन
ओके जनरल रिएक्शन। तो इस अल्काइन की रिएक्शन में पहले करूंगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो दिस HX इज गोइंग टू एड ओवर दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ एडिशन। दैट्स व्हाई हियर दिस ट्रिपल बॉन्ड अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। ओके मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको और हाइड्रोजन दे दो। ओके ये आपका प्रोडक्ट हो गया। और दूसरी जो स्टेप रहेगी रिएक्शन की वो थोड़ी अलग रहेगी। यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हैलोजन एटम यहाँ एडजेसेंट कार्बन को अटैक होना चाहिए, है ना। तो वो हो जाएगी विसिनल पोजीशन। तो इसलिए हमें ये रिएक्शन रिवर्ट करनी पड़ेगी। इसमें हम यूज करेंगे HX इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं HX इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 यूज करता हूं तो ये रिएक्शन हो जाएगी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ओके तो प्रोडक्ट लिखता हूं मैं अभी RC डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये पहले वाले जो एटम्स है वो वैसे लिख रहा हूं मैं। नाउ एडिशन ऑफ HX टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट इट फॉलोज द मार्कोनिक ऑफ नॉट एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ओके सो इट इज X हियर एंड H हियर। एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या हो जाएगा रिवर्स कंडीशन। जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हमें हाइड्रोजन नहीं देना है। तो ये हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिक ऑप्स का प्रोडक्ट। और ये जो डायहैलाइड बन गया ये आपका विसिनल डायहैलाइड है बिकॉज दिस टू हैलोजन एटम्स आर इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर और ऑन दी एडजेसेंट कार्बन 1-2 पोजिशन के कार्बन पे है इसलिए ये आपका विसिनल डायहैलाइड। तो इस रिएक्शन में क्या देखा हमने तो पहली स्टेप में हमें क्या करना है मार्कोनिक ऑप्स एडिशन और दूसरी स्टेप में हमें करना है एंटी मार्कोनिक ऑप्स एडिशन फॉर गेटिंग दिस विसिनल डायहैलाइड। ओके और जो पहली रिएक्शन थी जेमिनल डायहैलाइड की इसमें हमने क्या देखा पहले स्टेप में हमने मार्कोनिक ऑप्स एडिशन की और दूसरे स्टेप में भी हमने क्या करना है मार्कोनिक ऑप्स एडिशन ही करना है टू गेट दिस जेमिनल डायहैलाइड। आई थिंक दिस रिएक्शन इज क्लियर टू यू। ओके तो चलो हम इसको समराइज करेंगे। अल्काइन लिया था हमने अल्काइन की रिएक्शन 2 times की हमने मार्कोनिक ऑफ एडिशन के साथ तो जेमिनल डायहैलाइड हमें मिल गया। इफ वी रिएक्ट दिस अल्काइन इन फर्स्ट स्टेप विथ मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंड इन सेकंड स्टेप विथ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन तो हमें विसिनल डायहैलाइड मिल जाएगा। ओके सो दिस इज द हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन्स टू गेट डिफरेंट हैलोजन कंपाउंड्स। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर फॉर सच इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।